मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। क्रिसमस के अवसर पर सियोन चर्च जोबट फर्स्ट चर्च आमकुट चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। चर्च की सजावट देखते ही बन रही थी। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार चर्च परिसर में थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रिसमस का पर्व मनाया गया। जोबट से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। के कारण जो आपका 25 तारीख का जो क्रिसमस का पर्व था जी हाँ, उसको किस प्रकार से मनाया? हमने पिता परमेश्वर की दया से हमारा जो कोविड-19 का जो भी हमारा त्यौहार इस बीच में हमको मनाया गया है, वो हमको वैसे शासन के निर्देश दिए गए थे उसी के अनुसार हमने मनाया और बड़ी खुशी से हमने मनाया है। शासन प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया है और हम यह त्यौहार दिसंबर 1 तारीख से लेकर आज तक हम दिसंबर 26-27 तारीख तक हम मना रहे हैं और हमारा न्यू ईयर भी आने वाला है जिसको कि हम मनाने जा रहे हैं। शासन ने, पुलिस शासन ने और कलेक्टर महोदय ने और हमारे एसपी साहब ने हमारी पूरी तरीके से सहयोग दिया और यहाँ पर व्यवस्था की गई जो कि हम बड़े खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। इस बीच में हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। हमारे पास्टर जी, पास्टर इमानुएल और जयराज सर और सभी पास्टरेट कमेटी के मेंबर्स ने बड़ी मेहनत के साथ हमको यह त्यौहार को मनाने के लिए और अपने कंट्रोल में रखकर हर प्रकार के कार्य को सफलता से प्राप्त करने के लिए हमारा सहयोग दिया। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और पुलिस प्रशासन और हमारे सारे कलेक्टर महोदय और सभी एसपी महोदय, सभी का हम, तहसीलदार महोदय, उन सभी का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और सभी को हम शुभकामनाएँ देते हैं। हम आने वाले समय में शासन के अंदर रहकर हर प्रकार का कार्य उनके नीति निर्देशन के अनुसार ही करेंगे। यह हमारा पूरा सहयोग उनके साथ और उनका सहयोग हमारे साथ। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है एलेक्जेंडर सालोमन और मैं भूतपूर्व टीचर था, अभी रिटायर्ड हूँ। वैसे मैं क्रिसमस तो इस साल थोड़ा सा फीका रहा हमारा कोविड-19 के कारण, और जो हमारे प्रोग्राम थे 17 तारीख से जो प्रोग्राम चलने वाले थे उन प्रोग्रामों को भी हमने सब निरस्त किया है। 17 तारीख से हमारी कैंडल लाइट सर्विस शुरू होती है, उसके बाद हमारे यहाँ पर यानी कि प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। महिला सभा का ड्रामा, संडे स्कूल का ड्रामा, स्कूल ऑफ नर्सिंग का ड्रामा अस्पताल के साथ, युवक सभा का ड्रामा, और उसके बाद पुरानी यूथ में बुजुर्ग लोग भी आते, वो भी यानी कि ड्रामे में भाग लेते थे। ये सब कैंसिल किया और सिर्फ दो ड्रामे हमारे यहाँ, दो प्रोग्राम ऑनलाइन हुए। एक कैंडल लाइट सर्विस जिसका प्रसारण हमने यहाँ के जो लोकल चैनल है टीवी चैनल उसके ऊपर प्रसारण किया, राज टीवी के ऊपर, और दूसरा एक ड्रामा छोटा सा पेश किया गया प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में, तो वो भी यानी कि ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से और राज केबल के माध्यम से यानी कि प्रसारित किया गया। तो यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए तो हमारा थोड़ा सा यानी कि इस वर्ष का जो क्रिसमस का प्रोग्राम फीका रहा, परंतु रात को
12 बजे। सर, कोविड-19 की वजह से शासन की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग पूरा ध्यान रखते हुए शासन के निर्देश के अनुसार बड़े दिन की आराधना को हमने संचालित किया, क्रिसमस पर्व को हम मना रहे हैं। पर यार हम लोग 18 तारीख से स्टार्ट करते थे, लेकिन चूंकि कोविड-19 की वजह से हमने कुछ प्रोग्रामों को पोस्टपोन किया और शांति के साथ हम लोग पूरा सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करते हुए हम आराधना को संचालित करते, बड़े दिन की आराधना को हमने 25 तारीख को मनाया है। मेरा नाम जयराज बामनिया है।